नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। और अब मैं हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता आदरणीय वसुंधरा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में कहें। आप सबको मेरा प्रणाम और आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस देश के गौरव आप प्लीज। थैंक यू। हमारे इस देश के गौरव को बढ़ाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी मंच पर उपस्थित, हमारे प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण श्री गजेंद्र सिंह जी, श्री अर्जुन सिंह मेघवाल, श्री कैलाश जी चौधरी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भाई साहब गुलाब जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री सतीश पूनिया जी, सभी पदाधिकारीगण मंच पर ऊपर बैठे हुए, हमारे पूर्व अध्यक्षगण जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, आदरणीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सब जन प्रतिनिधिगण परिवारगण जो बैठे हुए, मैं आप सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय, आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब जनप्रतिनिधियों के बीच में और आपके जनप्रतिनिधि की आवाज द्वारा मैं हमारे पूरे मान और सम्मान के साथ हमारे गौरवशाली गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का इस राजस्थान की धरती पर, इस जयपुर की धरती पर स्वागत करने का मुझे मौका दिया है। मैं आप सबकी ओर से उनको उनका भावभीना स्वागत यहां इस मंच पर करती हूं। मुझे और हम सबको बहुत खुशी है भाई साहब कि आप कल जैसलमेर में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस में पधारे और हमारे जवानों का उस बॉर्डर के ऊपर आपने हौसला अफजाई की और आज उसके बाद थी बॉर्डर के ऊपर ऐसे लोगों के लिए आपने उनके घरों के अंदर उनके पिता माता उनका भी इंतजाम करते हुए उनकी विधवाओं का इंतजाम किया, उनका नाम रोशन रहे, आपने स्कूल्स के ऊपर उनका नाम लिखवा दिया गया और साथ में उनके स्टैचूज बना दिए जाएं ताकि वो गांव उनको याद रखे। उसके लिए आपको और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को हम सब लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज आप हमारे बीच में हो, हम कैसे आपको धन्यवाद दें? आपने हम सबकी इज्जत को, हम राजस्थान वालों की इज्जत को आपने बना के रखा है। देश की इज्जत तो है ही है, परंतु यहां के सब लोग आपको इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भूखे सो जाएंगे परंतु अपनी इज्जत के लिए मरते मारते भी हैं। और आपने हम सब की इज्जत को रखते हुए धारा 370 को हटाया, आज वो वादा पूरा किया जिस वादे के पीछे यहां कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार के लोग यहां बैठे हुए हैं जिनने हर घोषणा पत्र के अंदर इसको पढ़ा था, सोचा था कि एक दिन होगा, परंतु कई पीढ़ियां निकल गई और उन्होंने अपने आप से नहीं देखा। इसलिए आज आपको और मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया उसको इतनी तेजी से आपने उसको पूरा करके आज जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति लाने का काम किया। रोज अखबार में पढ़ना होता था कि आज बम फटा, आज कोई टेररिस्ट घुसा,
परंतु जब से ये हुआ है और जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने का आपने काम किया है, इतना ऐतिहासिक कार्य है, तब से हमने ये देखा है कि कश्मीर में आए दिन जो आतंकी हमले हुआ करते थे वहां शांति का वातावरण बन गया है, जिसके लिए पूरे देशवासी आप सबके ऋणी हैं। जनसंघ का जो दीपक हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल किशन जी अडवाणी, राजमाता साहब, भैरव सिंह जी, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया में उस छोटे से दीपक की रोशनी को फैलाने का काम करने की कोशिश की, आपने अपने कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर हम सबका गौरव, हम सबको और हमारे देश को गौरव हासिल करने का मौका दिया। आपने कहा कि एक समय था और हम सब उस चीज को याद करते हैं जब संसद के अंदर हमारे खाली दो लोग बैठा करते थे, दो सीटें हमारी हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सुशासन देने का काम चालू हो चुका है। 5 साल के राज के अंदर हमको बहुत कुछ देखने को मिला है, इस 2.5 साल 3 साल के राज के अंदर हमको भी बहुत देखने को मिला है। और मैं थोड़ा सा गिनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समय लेना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके द्वारा देश की जनता को बैंकिंग के साथ जोड़ने का काम किया। बैंक अकाउंट नहीं हुआ करते थे भाइयों, आपको याद है कि अगर कार्ड बनाने का प्लास्टिक नहीं मिला करता था, बैंक वाले हमारा साथ नहीं देना चाहते थे, परंतु स्थिति बनी कि आज सबके पास कार्ड है और उस कार्ड के साथ हजारों सरकारी स्कीम के साथ आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। गरीब परिवार की महिलाएं सोच नहीं सकती थी कि उनको कभी गैस मिल सकता है। मुझे याद है कि जब गरीब इलाके के अंदर जाने का मौका मिलता था, और जब उदयपुर डिवीजन के अंदर मुझे याद है कि मैंने दौरा किया था, तो उस समय छोटे से छोटे कुटिया के अंदर जाने का मौका मिला, उसके अंदर आग सुलग रही थी, जल रही थी, वो लकड़ी कंडे उसको इकट्ठा करके, परंतु उस कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, इतना धुआं भरा हुआ था। आज उससे मुक्ति देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है और गैस के सिलेंडर गरीब से गरीब परिवारों के करोड़ों की संख्या में हमारी महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया है, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज। कोई सोच सकता था कि हमको पक्का मकान मिल जाएगा? ये राजेंद्र जी भी बैठे हैं यहाँ, अरुण जी भी बैठे हैं, मुझे याद है कि जब ये स्कीम हम लोगों को पहली बार मिली थी, बांसवाड़ा की बात है, हम लोगों ने जब बांसवाड़ा के अंदर उस स्कीम को अपनाने की कोशिश की तो कोई सोच भी नहीं सकता था, उसके ड्राइंग जब लगाए कि दो कमरे मिलेंगे, एक वरांडा मिलेगा, छत मिलेगा, एक किचन मिलेगा, एक शौचालय मिलेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से मिलेगा। और जब देखा तो उन लोगों ने हमसे ये कहा कि साहब ये तो एक के दुख के लोगों को मिलेगा, ये हम लोग सबको तो कहां मिल सकता है। परंतु लाखों की तादाद में गरीबों को मकान मिलने में देने का काम किया। आज मोदी जी को 13 लाख लोगों को, 13 लाख लोगों को हमने उस समय, मुझे याद है, और इस देश के अंदर तो कितने हजारों करोड़ों की संख्या के अंदर लोगों के यहां इस तरीके से गरीब लोगों के घर सिर के ऊपर छत मिल गया है। धन्यवाद तो देंगे ही देंगे। हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया। अब हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज, जो गरीब आदमी है उसको मुफ्त इलाज मिलने का काम है। जीएसटी, सवर्ण आरक्षण, ऐसे बड़े बड़े काम को अंजाम देने का काम आप सबने मिलकर किया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद देश का दर्जा कहां से कहां दुनिया में बढ़ के रह गया। केंद्र सरकार ने जब अयोध्या का विवाद
का हल निकाला, कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग सब लड़े हैं, हम लोग सब गए थे, हम लोग सब ने मंदिर का देखा, सब लोगों ने भाषण सुने, सब लोगों ने बातें की और सब लोगों को लगा कि होगा, पर हमारे जीवन में होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको हल तो किया ही किया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण उसको शुरू करने का काम करा दिया। उसके लिए आप सब, हम सब की ओर से हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तो कुछ ही है काम है, इसलिए ये तय है, हम लोग तो बात करते ही रहते हैं, पर ये तय है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगी, आजकल की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, गहलोत जी की सरकार, अदृश्य है। गांव में जाते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो रहा है, काम सरकार क्या काम कर रही है। सबसे पहले चार आदमी इकट्ठा होंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि साहब बिजली की मुसीबत है, बिजली के हमारे ऊपर बड़े बड़े केस लग गए हैं, बिजली आती नहीं है, पानी की मुसीबत है, रोड है नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कानून व्यवस्था और सरकार दोनों गायब। आप अखबार पढ़ते हो रोज तो आप देखोगे रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, रोज लूट हो रही है, रोज हत्याएं हो रही हैं। सरकार के 3 साल गुजर गए और काम गिनती करने में कुछ आपको मिलने वाले नहीं है। आप गिनती करने जाओ तो मिलने वाले नहीं है, बस एक ही काम पे लगे हैं, कुर्सी कैसी बचाई जाए। घबराहट होती है कि मालूम नहीं ये 4 लोग उधर चले जाएंगे तो क्या होगा और 5 लोग उधर चले जाएंगे तो क्या होगा। 2 साल निकल गए, कभी गिर रही है, कभी खड़ी हो रही है, अभी अभी कैबिनेट रीशफल हुआ। ये ध्यान देके कैबिनेट रीशफल हुआ कि भैया कोई उधर जाने वाला हो तो फिर उसको रोक लो। सिर्फ और सिर्फ इसी काम के ऊपर काम चल रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि सरकार की उपलब्धि के नाम पर आज मैं जो देखती हूं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि दौरा करने वालों को, हम लोगों को सबको मालूम हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी वो अच्छी अच्छी योजनाएं थी, और हमने उनको ये भी कह दिया था कि अगर आप इन योजनाओं को आगे चलाओगे तो भी अच्छा जनता के लिए होगा। परंतु हमें मालूम था कि तो कोई सरकार करेगी नहीं, उनने तो तुरंत ही योजनाएं बंद कर दिए, बंद ही नहीं किए परंतु किन किन लोगों किन किन योजनाओं के नाम तक बदल दिए। याद होगा भाइयों, राजस्थान की सड़कों को टोल फ्री सड़कें बनाने का, टोल फ्री बनाने का काम किया, आज फिर टोल लग गया है। अन्नपूर्णा योजना, उसके अंदर हम लोगों ने राशन की दुकानों को लेके उनको मिनी मॉल बना के विकसित करने की कोशिश की थी, आज वो सब मामला ठप हो गया। महिला और गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए भामाशाह योजना के साथ जोड़ने का काम किया तो भामाशाह योजना को खत्म कर दिया है। और साथ साथ स्वास्थ्य बीमा योजना थी, वो अच्छी तरह से चल रही थी, उसको भी रोक देने का काम इनने कर दिया है। हमारी ऐसी तमाम योजनाएं थी जिसको सरकार ने बंद कर दिया। और अन्नपूर्णा रसोई, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, उस अन्नपूर्णा रसोई को बंद तो नहीं किया परंतु उसका नाम बदल के इंदिरा रसोई बनाने का काम किया। अच्छा काम चलता तो भी मैं कुछ नहीं कहती, नाम तो बदल दिया पर काम नहीं। जिस किस्म का भोजन वहां दिया जा रहा है तो आप लोग सबने देखा है वो भोजन भी कैसा। जिन जिन योजनाओं को बंद किया है उसको आगे बढ़ाने के, उसकी जगह में कोई योजना लाने का काम भी नहीं किया। आप लोग सबको याद है कि चुनाव के पहले हम लोगों ने सब पूरे लोगों के जो लोन माफ करने थे वो लोन माफी हो गई थी। 2, 3, 5 और 7 हॉर्स पावर के मोटर्स जहां जहां चल रहे थे वहां हमने बिजली माफ कराने का काम कर दिया था इतने सारे लोगों को। और जब चुनाव लड़ने का वक्त आया तो बोले कि 10 दिन के अंदर आप चिंता मत कर लो, 2 लाख रुपए के जिनके ऊपर कर्जा है उन सब लोन को, कर्जे को हम माफ करने का काम करेंगे और बिजली का भी इंतजाम हम करने का काम करेंगे। और आपको मालूम है कि आज सपना ही सपना रह गया, अभी तक एक भी कदम उस तरफ उठाने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल का दाम कहां है, कहां है? राजस्थान में है। मोदी जी ने तो सबकी पीड़ा को मानते हुए उसको कम करने का काम किया,
दूसरे प्रदेशों ने भी उसको कम करने का काम किया, परंतु आज आपने सबने देख लिया कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई अगर कहीं है तो उस पेट्रोल के अंदर है। इन्हीं कारणों से जनता पूरी तरह से यहां तक त्रस्त हो गई है और मन बनाकर बैठी है। आदरणीय भाई साहब, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि 2023 बहुत दूर नहीं है। 2023 की तैयारी के लिए सब लोग बैठे हुए हैं और मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ आपको भी, कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार एक सुदृढ़ और सशक्त परिवार है और ये सुदृढ़ और सशक्त परिवार जो जनप्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं और जो कोने कोने में राजस्थान के हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसा नहीं है जो इस अभियान के अंदर जुड़ के अपने वादे को, अपने संकल्प को पूरा नहीं करेगा कि आने वाले समय के अंदर हम कमल खिलाएंगे, हम मिलके राज वापस लाने का काम करेंगे। और ये आप वहां बैठे हो, आज आपके सामने जोरदार से साथ नारा के साथ आप बता देना कि कमल खिलेगा राजस्थान के अंदर, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब आपके सामने हैं, हमारे बीच में वो आए हैं, हम आपकी तरफ से सबकी ओर से उनका स्वागत करते हैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूं। आपके और उनके बीच में नहीं खड़ी होंगी, मुझे विश्वास है कि उनको भी बहुत सारी चीजें हम लोगों के बीच में, हम सबको दिशा दिखाने का, रास्ता दिखाने का और मार्गदर्शन करने का काम करेंगे वो। और फिर से मैं हम सब की ओर से आपका यहाँ भावभीना स्वागत करती हूँ।